हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूट्यूब थंबनेल जो होता है, वीडियो का थंबनेल होता है, वो कैसे लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मुझे थंबनेल लगाने नहीं आता है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो बनाते हैं, ठीक, वीडियो बनाएं और उसको ऐसे ही अपलोड कर देते हैं तो उसमें ज़्यादा व्यू आपको नहीं मिलती है। लेकिन आप अगर उसका जो थंबनेल होता है, यानी कि अगर कोई भी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे या कहीं भी, अगर मूवी या कुछ भी देखते हैं तो ऊपर का देखते हैं, यानी बहुत अट्रैक्शन यानी एक फ़ोटो लगा रहता है, उसको एक थंबनेल कहते हैं। और आप उसको लगाना चाहते हैं लेकिन आपको लगाना नहीं आता है, तो सबसे पहले उसको तो आपको जैसे अकाउंट यानी जो यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो उसमें आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आप थंबनेल लगाना चाहते हैं वीडियो में तो मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने जो मोबाइल नंबर वेरीफाई होता है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा कि कैसे मोबाइल नंबर वेरीफाई होता है अपने यूट्यूब चैनल को। अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको थंबनेल लगाना सिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपना YT स्टूडियो को ओपन कीजिए। YT स्टूडियो देखिए यहाँ पे है, आप अगर नहीं डाउनलोड किए तो जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। YT स्टूडियो ऐप जो है उसको डाउनलोड कीजिए। तो सबसे पहले मैं अपने YT स्टूडियो को ओपन करता हूँ, और YT स्टूडियो ओपन करने के बाद आप इस तरह से देखिएगा, आपको जितना वीडियो अपलोड किए होंगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर सभी वीडियो में अपना थंबनेल जो ऊपर का जो फोटो होता है उसको चेंज किए हुआ हूँ, इसलिए आपको इस तरह से दिखता है। लेकिन आप जब वीडियो अपलोड कीजिएगा तो आपका जिस तरह का वीडियो रहेगा उस तरह का यहाँ पर फोटो दिखाईगा यानी दिखाई देगा। तो आप उस पे क्लिक कीजिएगा, उस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से आएगा। और यहाँ पे देखिए आपको ऊपर एडिट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ पे यूट्यूब का ऑप्शन मिल रहा है। तो आप यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, और जैसे आप एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो फिर देखिए यहाँ पे एक पेंसिल का ऑप्शन आ रहा है, पेंसिल का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, यानी ये जो फोटो ऊपर का थंबनेल देख रहे हैं इसको चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है। तो आप इस पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक जैसे ही करते हैं तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से अगर मेरा देखिए मेरा स्टडी का वीडियो है तो यहाँ पे स्टडी से रिलेटेड मैं कॉपी पे समझा रहा था, इसलिए कॉपी का फोटो यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है। तो यहाँ से आपको यहाँ पे कॉपी का फोटो आते रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ के कॉपी का फोटो नहीं, अगर कोई दूसरा फोटो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए चेंज का ऑप्शन है। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप कोई भी ऐप से आप यहाँ पे एक थंबनेल बना लीजिए और उसका यहाँ पे यूज कीजिए। अगर आप लोग को अगर थंबनेल नहीं बनाना आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको थंबनेल बनाना सिखा दूंगा कि थंबनेल कैसे बनाते हैं। और उसके आप जैसे ही चेंज पे क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपको यहाँ से चेंज पे जैसे ही क्लिक कीजिए तो वहाँ पर आपको थंबनेल दिखाई देगा, यानी को आपको यानी जो फोटो का जो होता है एक्सेस उसमें चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से जाएगा, और आप जिस तरह का वीडियो यहाँ पे लेना चाहते हैं, जिस तरह का फोटो लेना चाहते हैं उस तरह का फोटो लीजिए और उस पर जैसे क्लिक कीजिए, देखिए अभी यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, और इस पर फोटो लेने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट के ऑप्शन पे सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे ऊपर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक कर दिए हैं और इस तरह से आएगा। और यहाँ पे आपको सेव है, यहाँ पे सेव पे हम क्लिक करते हैं। तो इस तरह से जैसे सेव पे क्लिक कीजिए सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि किस तरह से यहाँ पे ये करना है, आपको थंबनेल चेंज किस तरह से करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता था कि थंबनेल किस तरह से चेंज करना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको थंबनेल लगाना आ गया होगा कि कोई भी वीडियो पे थंबनेल कैसे लगाते हैं, थंबनेल को यानी जो हटाते हैं और लगाते हो कैसे है, वो सभी चीज़ का जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर कोई भी आपको यानी जानकारी चाहिए, यूट्यूब अगर न्यू अगर बिगनर यूट्यूबर है, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जाकर कर सकते हैं। और जो भी आपको टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका यानी कोशिश करूंगा कि उसका वीडियो बनाओ और आप लोगों को समझा सकूँ और आप लोगों को बता सकूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।